नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नथानी। इस वक्त बता दें आपको, सीमा पर तनाव के बीच चीन की तरफ से लगातार बयानबाजी की जा रही है। चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से भारत पर गुमराह करने का आरोप लगाया जा रहा है। चीन का कहना है कि भारत ये कहकर लोगों को गुमराह कर रहा है कि चीनी सैनिक सिक्किम में सड़क बना रहे हैं। इतना ही नहीं, चीन भारत को पंचशील समझौते की भी याद दिला रहा है। चीन का कहना है कि पड़ोसी का भरोसा जगाए रखने के लिए भारत को सीमा से सेना हटा लेनी चाहिए। चीन भारत पर उल्टा अपनी सीमा में सेना भेजने का आरोप लगा रहा है। प्रणय हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रणय, लगातार चीन तनाव को बढ़ा रहा है। देखिए जी हाँ, 16 जून 2017 को जब चीनी पीएलए की यानी चीनी सैनिक अपने रोड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट के साथ में साजो सामान के साथ दोकलाम के इलाके में दाखिल हुए थे, उस दिन के बाद से भारत और चीन के बीच में एक स्टैंड ऑफ की सिचुएशन बनी हुई है। क्योंकि दोकलाम का इलाका भूटान और चीन के बीच विवाद का इलाका है, लेकिन उसमें वहां पे जब चीन की चीनी सेना का कंटिंजेंट उसका दस्ता रोड बनाने के लिए आया, तो सबसे पहले भूटनीज आर्मी ने उसे रोका था। भारतीय सेना और भारतीय सैनिक दस्ता जो है वो केवल भूटनीज आर्मी की मदद के लिए वहां पहुंचा था। यानी मूलतः विवाद भूटान और चीन के बीच में है, क्योंकि विवाद भी डोकलाम को लेकर भूटान और चीन के बीच में है। लेकिन चीन ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि दरअसल भारत ने ये विवाद खड़ा किया है, भारतीय सैनिक वहां दाखिल हुए हैं उस इलाके के अंदर, और भारतीय सैनिकों के पीछे हटने तक इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता। एक महत्वपूर्ण चीज आप इस पूरे मामले में देखें कि लगातार चीन रोज एक बयान दे रहा है, लगातार उसके बयानों का सुर भी तीखा होता चला जा रहा है। चीन एक तरीके से धमकी दे रहा है भारत को, लेकिन भारत की अपनी चिंताएं हैं, क्योंकि 2012 में खुद भारत और चीन के बीच में इस बात पे सहमति बनी थी कि उस इलाके में जो चुंबी वैली का इलाका है, वहां जहां ये विवाद चल रहा है, जहां स्टैंड ऑफ की सिचुएशन है, वहां तब तक कोई नया निर्माण नहीं किया जाएगा जब तक कि तीनों देशों के बीच में सहमति से सीमा का समाधान ना हो जाए। लेकिन चीन अपना ही वादा तोड़ रहा है। बहरहाल आगे अब बढ़ेंगे। और इधर बीजेपी के खिलाफ पूरे देश में महागठबंधन बनाने की कवायद में जुटे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने एक बड़ा सियासी फॉर्मूला दिया है। 2019 के आम चुनाव से पहले लालू प्रसाद यादव ने उत्तर प्रदेश में एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोकने वाले धुर विरोधी अखिलेश यादव और मायावती के साथ आने की वकालत की है। मायावती जी और अखिलेश दोनों मिल जाते हैं जिसकी काफी संभावना है, तो मैं चौभर उन्हें इसका मैं चौभर तो सब लोग महसूस कर रहे हैं। हर लोग अपने रणनीति से काम कर रहे हैं, चाहे मायावती जी हो, अखिलेश हो, रॉबर्ट बाड्रा हो, प्रियंका हो, केजरीवाल हो, लालू यादव हो, अपना पाल बच्चा हो, मायावती हो, ममता दीदी हो, ये चाहते हैं कि हम झुकावे इन लोगों को तोड़ डालें, क्योंकि ताकत ये जानते हैं खूब अच्छी तरह से। और ये लोग इकट्ठा हो गया तो फिर इनका सपना उन्हें इस पर रह जाएगा, फिर दोबारा बैठने वाले नहीं है। और इसी खबर पर और विस्तार से हम जानकारी लेते हैं। पटना से चंद्रमोहन कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंद्रमोहन, कैसे लिया जाए लालू प्रसाद यादव के इस बयान को, एक बड़ा सियासी फॉर्मूला देते नजर आ रहे हैं वो? बिल्कुल, देखिए अभी जो लोकसभा चुनाव हुआ है, इससे पहले भी कई बार यह कवायदे रही हैं कि जो विपक्ष में बैठे तमाम लोग हैं वो एक साथ एक मंच पर आए, लेकिन अब तक यह फॉर्मूला कामयाब नहीं हो पाया है। और अब 2019 में एक बार फिर चुनाव ने दिया है, तो इसको लेकर जो है लगातार कवायदें चल रही हैं। और लालू यादव शायद यही वजह है कि इसको लेकर यह बयान दिया है कि उत्तर प्रदेश में मायावती और अखिलेश एक बार साथ आ जाएं तो हो सकता है कि 2019 में वो लोग कुछ कामयाबी हासिल कर लें। लेकिन अब तक के जितने भी कवायदे रही हैं, चाहे वो महागठबंधन बनाने की बात हो या फिर तमाम विपक्षी पार्टियों को एक मंच पर लाना,
वो अब तक सफल नहीं हो पाया है। इस बीच लालू यादव का यह बयान शायद कितना कारगर होगा ये कहना काफी मुश्किल है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जरूर कोशिशें हो रही हैं कि महागठबंधन को एक बार फिर से जिंदा किया जाए और जितने भी तमाम विपक्षी पार्टियां हैं उनको एक मंच पर लाने की कोशिश की जाए। दो धुर विरोधियों को आपस में लाने की वकालत वो कर रहे हैं, हालांकि हमने बिहार में ये देखा, लेकिन फिर हम ये भी देख रहे हैं कि क्या हो रहा है बिहार में। चंद्रमोहन, बिल्कुल, देखिए आप अगर पहले की राष्ट्रपति चुनाव की बात करें तो महागठबंधन की बात हो रही थी कि उनके जितने भी जो भी कैंडिडेट होगा उसको लेकर सब लोग एक साथ आएंगे, लेकिन राष्ट्रपति चुनाव की घोषणा जैसे हुई और रामनाथ कोविंद का नाम जैसे सामने आया तो उसमें नीतीश कुमार बिल्कुल अलग हो गए और रामनाथ कोविंद के सपोर्ट में सामने आ गए, जो साफ तौर पर दर्शा रहा है कि महागठबंधन एक मंच एक साथ आने के लिए तैयार नहीं है, चाहे वो कवायदे कितनी भी कर ली जाए लेकिन अब तक वो सफल होते नहीं दिख रहे हैं। इस बीच लालू यादव का यह बयान कि दो धुर विरोधी जिसमें एक तरफ मायावती हैं और दूसरी तरफ अखिलेश हैं, उनको एक मंच पर लाने की बात लालू यादव कर रहे हैं, जो शायद ही ये कहा जाए कि सफल हो पाए, लेकिन अब आगे देखने वाली बात होगी कि इसमें लालू यादव किस हद तक पहल करते हैं और दोनों एक मंच पर कैसे साथ आते हैं। तो लालू प्रसाद यादव ने एक बड़ा सियासी फॉर्मूला यहां पर दिया है, दो धुर विरोधी मायावती और अखिलेश यादव जिन्हें साथ आने की वो बात कर रहे हैं।